हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है थर्सडे। हाँ, थर्सडे, ये गुरुवार। रुके, ये कांच लगा लो, आने के रूम में जा रही हूँ ना। छिपकली विपकली पता नहीं क्या क्या कुछ भी आ सकता है ना, कोई भरोसा नहीं है। इसके लिए मैं जब आगे जाती हूँ तो उसको वो विंडो क्लोज करके तभी जाती हूँ। और अभी जस्ट चाय बनाई है, शाम के 7:30 बज रहे हैं। अरे यार, एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ूँ, क्या क्या लेके जाऊँ। सुना, ये लेके चलो आगे। हाँ, देखिए चलो। और ये मैं ऐसे करके ले लेती हूँ, ये देखिए ऐसे जुगाड़, इसको ऐसे एल्बो के। हाँ, ये अपनी चाय ले ली। हाँ, अभी एक्चुअली ये स्कार्फ इसलिए रखा है सर पर क्योंकि अभी दिया लगाया ना, दिया लगा कर आई सीधा चाय छानने के लिए। और अभी ये गेट भी खुला है, सबका गेट बंद है, तो मैं भी सोच रही हूँ अपना बंद कर दूँ। क्या सुना, कब से क्या दिखाना चाहते हैं? एक सेकेंड देख रहे हो क्या लड्डू? मुझे नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। हाँ लाडो, एक सेकेंड, फटो हटो, आप फटो, मैं देखती हूँ। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ, गंदी बात मिल लो, यहाँ आओ मेरे पास। रुक जाओ सोना, इधर आओ पहले राग। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बजने जा रहे हैं 8 बजने में। एक्चुअली 10 मिनट बाकी है, घड़ी वहाँ पे ऊपर है, नहीं तो आप लोगों को दिखा देती। जाने दीजिए। क्या सुना? हाँ, तो अभी 8 बजे में 10 मिनट बाकी। मैं ये इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं अभी अपना डिनर करने जा रही हूँ। जी हाँ, आप लोग सोचेंगे इतने जल्दी डिनर, तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा अपने यू नो हेल्दी रूटीन स्टार्ट कर दिया है, हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ थोड़ा सा यू नो सोचा है कि थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि इफ़ आई कैन फॉलो। तो मैंने सोचा है कि मैं मैक्सिमम 7:30 से 8 PM के बीच में डिनर कर लूँ, जहाँ तक हो सके मुझसे। मतलब मैंने ये ट्राई करना शुरू किया है। राघव, व्हाट इज दिस? इनको मोबाइल चाहिए, इनको देखना है यूट्यूब पे अपना पोएम्स एंड राइम्स, तो इसके लिए मोबाइल छीन रहा है मुझसे। तो मैंने इसको बोला रुक जाओ, मुझे वीडियो शूट करने थे, फिर देती हूँ। तो जी हाँ, तो मैं आज डिनर में क्या कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। दिस इज़ अ दाल, ये दाल पालक है, विच इज़ अ वेरी हेल्दी ऑप्शन एंड न्यूट्रिशियस भी है, हेल्दी भी है, प्रोटीन्स भी है, सब कुछ है इसमें। और ये आपका वेट गेन भी नहीं होगा। तो एक्चुअली मैं थोड़ा वेट लॉस और ये सब जर्नी की तरफ, रागो मत करो प्लीज़, हाँ तो उसके तरफ हूँ। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अभी एक्सरसाइज, ग्रीन टी और ये सब रूटीन फॉलो करना शुरू किया। और उसके साथ में ले रही हूँ, नहीं खाना है क्यों, फिनिश कर दो डुड्डू। और ये एक रोटी ली है, जी हाँ सिर्फ एक रोटी ली है, दो अच्छे मुझे दो, एक रोटी और ये दाल खाने जा रही हूँ। तो चलिए खा लेती हूँ पहले। ओके, नीचे से पूछो कितना है। ये बच्चे हेलो फ्रेंड्स, तो अभी जा रही हूँ मैं ये लोगों के लिए भाजी बनाने के लिए। मेरा डिनर तो हो गया, आप लोगों ने देखा। तो अभी राघव गया अपने पापा के साथ नीचे बॉल खेलने के लिए, और मैं लाडो आगे के रूम में है, वो खेल रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस मौके का फ़ायदा उठा लूँ। ये भगवान, ये खुल क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड। पता नहीं क्या हो गया उसको, खुल नहीं रहा है। फाइनली
तो इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे थोड़ा बोल रही हूँ भाजी बनाने। ये मैंने एक्चुअली पालक काट के धो के रखा हुआ है, बस इसमें आलू कट करना है और फिर बनाना है। रुकिए आलू ले लेती हूँ। एक तो लाडो खूब खेल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। आज मैं आलू पालक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का बनाने वाली हूँ। मैं भले टेस्ट नहीं करने वाली बट स्टिल आलू हाँ ले लिया। तो रुके कट कर लेती हूँ। देखा आप लोगों ने इसने कैसे रोल ओवर किया। अब ये रोल ओवर करना सीख गई ना तो दिन भर यही करती रहती है। छोना छोना दुड्डा छोना दुड्डा। सब्जियां कट करने के बाद अब यहाँ पे मैंने तड़के की तैयारी कर ली है। और तड़के के लिए यू नो कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, मस्टर्ड ऑयल जी हाँ, और उसमें पंचफोरन डाल दिया है पहले। पंचफोरन डालने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ प्याज जो मैंने बारीक काटा हुआ था। यूजुअली मैं प्याज वगैरह नहीं डालती लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल मैंने आप लोगों को बोला, तो यहाँ पर मैं प्याज और हरी मिर्च का तड़का दे रही हूँ। वैसे तो मैं पालक की भाजी उबाल कर बनाती हूँ, बॉईल करके, उसकी रेसिपी भी कभी शेयर करूँगी, वो बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है। और यहाँ पर मैं ये राजस मसाला मैंने गांव से लाया है वही यहाँ पर डाल दी हूँ तेल में। तेल के साथ पकेगा यह मसाला। कभी भी ना ग्रीन वेजिटेबल में तो वैसे ज़्यादातर मसाले नहीं पड़ते, और अगर डालते भी ना तो तेल में पका लेना चाहिए, क्योंकि सब्जी डालने के बाद अगर वो मसाला पकाओ ना तो इतना टेस्ट नहीं आता है। ये लाडो भी साथ ही साथ वॉइस ओवर कर रही है, वो भी आप लोगों को रेसिपी बता रही है। और यहाँ पर सारे बेसिक मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं जो हम लोग डालते हैं यूजुअली, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, हरी मिर्च,
सॉरी लाल मिर्ची का पाउडर और सॉरी येलो वाला क्या बोलते उसको हल्दी, हाँ हल्दी यार मैं तो सिर्फ भूल जा रही हूँ। और इसको थोड़ा टाइम हम लोग पकाएंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे यू नो अपने आलू और पालक को ऐड कर दिया है। आलू मैंने थोड़े बड़े साइज़ के काटे हैं यहाँ पे और अब आलू पालक ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से स्टर करके हम लोग उसको ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। जी हाँ आप लोग आगे देखेंगे मैं इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ने वाली हूँ। जो बॉयल वाली सब्जी मैं आप लोगों को बोल रही थी ना उसमें मैं काफ़ी वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, जैसे लौकी, कोहरा, बैंगन, पालक, आलू, टमाटर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है उसमें। इन्फॉर्म कर दो, अब जा रही हूँ लोगों के लिए खाना निकालना है, फिर बर्तन धोना है, फिर गैस क्लीन करना है, बिकॉज अब मैंने अपने रूटीन में पहले मैं मॉर्निंग में गैस क्लीन करती थी बट अब इवनिंग में मतलब रात में गैस क्लीन करके सब कुछ बर्तन तो वैसे भी धोकर ही मतलब सोती थी लेकिन अब मैंने गैस भी क्लीन करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉकरोच वॉकरोच जो आते हैं अब यहाँ पर हम अपनी सब्जी को एक बार चेक कर लेंगे कि इसके हालात कैसे चल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आलू देखो पक चुका है बिकॉज वो ना कलछुल से लग के थोड़ा कट रहा है, हाँ लेकिन अभी अच्छी तरह नहीं पका है। अब यहाँ पे मैं टमाटर और नमक यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। जी हाँ फिर ये अच्छे से गलेंगे और अपना पानी छोड़ेंगे और फिर पकेंगे तो ज़्यादा मतलब यू नो टेंगीनेस भी आ जाएगा भाजी में और ज़्यादा मज़ा भी आएगा खाने में। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देख कर लेकिन मैं खाई सच बता रही हूँ मैंने टेस्ट तक नहीं किया था लेकिन सब लोग बोल रहे थे बहुत अच्छी भाजी बनी है। थोड़ी देर बाद यहाँ मैं फिर से अपना यू नो भाजी चेक कर रही हूँ और मैंने आप लोगों को बोला था ना ये यहाँ पे टमाटो और नमक ऐड करने के बाद वो पानी छोड़ के पकेंगे तो देखिए काफ़ी पानी आ गया है। पालक का भी अपना पानी रहता है और देखिए काफ़ी अच्छे से पानी छोड़ के लोग पक रहे हैं तो अभी फिर से मैं इसको ढक दूँगी और अच्छे से पकने दूँगी। अब हमारी भाजी अच्छी तरह से पक गई है और अब इसको मैं अच्छे से कूच दूँगी, कूचना यानी यू नो इसको अच्छे से मैश करेंगे, हाँ इसको कलछुल से या फिर आपके पास वो मैश करने वाला तो उससे मगर मैश उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद भी कलछुल से ही अच्छे से मैश कर सकते हैं इसको और काफ़ी अच्छा लगेगा। ये जो यू नो ये जो कूचने के बाद मैश करने के बाद जो फ्लेवर आएगा ना भाजी में और उसको जब आप रोटी या चावल गर्म गर्म चावल या रोटी के साथ खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे सारे काम हो चुके हैं, देखा आप लोगों ने, मैंने यू नो सब्जी भी कट कर ली है सुबह के लिए, वो था नेनुआ को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग नेनुआ बोलते हैं उसको। और ये देखिए सब कुछ मतलब प्लेटफॉर्म क्लीन हो गया, सारे बर्तन वगैरह सब कुछ मतलब लाडो मेरी सो गई हैं, सोना वानी हाँ सो रही है और अब मैं भी सोने जा रही हूँ। तो चलो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, आप लोगों को मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय गाइस, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।